Cashbook presents in the Kha's Pandra -e September, Padhai Masti or Gapsha. Jam packed with interaction sessions with all India rankers, India's best faculties, quizzes, scholarship tests, free strategy classes, night out sessions and Gapsha with faculties and various fun other activities with mega prizes.

चलिए गए सभी का ग्रीटिंग्स तो दोपहर के बच चुके हैं एक और आप सभी को मालूम है कि मंडे टू फ्राइडे 1 पीएम पर हम लोग कवर कर रहे हैं एसएससी एस जेई के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेशंस की सीरीज और ये सेशन की जो सीरीज है ये लगातार आपकी चल रही है ठीक है रेगुलर बेसिस पे तो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर थर्टी यानी कि अभी तक हम लोग तो टोटल थर्टी प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं और हर एक प्रैक्टिस सेट में हमारा जो टारगेट रहता है फिफ्टी टू सिक्सटी क्वेश्चन कवर करने का ठीक है फिफ्टी टू सिक्सटी क्वेश्चन कवर करते हैं यानी कि अराउंड अभी तक हम लोग देखने जाए तो फिफ्टीन हंड्रेड से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन कवर कर चुके हैं ठीक है सो आई होप की उम्मीद करता हूं कि सभी की प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है आपने वीडियो वीडियो जरूर देखे होंगे ठीक है लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहां पे मैं बता दूं कि गाय चौदह और पंद्रह सितंबर को इंजीनियर्स डे के उपलक्ष्य में चल रहा है टेस्ट बुक पर इंडिया का सबसे बिगेस्ट इंजीनियरिंग कार्निवल और आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे जिसमें अगर आप बेहतरीन तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं तो आपके पास मौका है टेस्टबुक बुक सु, सुपर कोचिंग का जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पाने का लेकिन इसके अलावा बहुत सारे अमेजिंग प्राइजेस हैं गिफ्ट हैं ठीक है सो इसके साथ जरूर आप जुड़िए ठीक है सो so, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस ठीक है और आज के सेशन में भी हमेशा के की तरह टोटल जो क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ वो कितने दे रहा टोटल 50 प्लस क्वेश्चंस ठीक है तो इस सेशन को भी पूरी तरीके से बिगनिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा और बाकी हर एक सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाती है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एट द रेट टेक्स बुक ठीक है तो जिसने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है उसको जरूर ज्वाइन कर ले मेरे हर एक सेशन के अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे दोस्तों ठीक है और बाकी थ्री पी पर मुझे मंडे टू फ्राइडे ज्वाइन कर सकते हैं मास्टर क्लास में आज जरूर जुड़िएगा आज की मास्टर क्लास तीन से लेकर के चार बजे तक है एक घंटे की मास्टर क्लास है और आज जो भी मास्टर क्लास में जुड़ेगा तो फर्स्ट याद रखिएगा विनर को वन ईयर का टेस्ट बुक सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और बाकी जो रिमेनिंग फोर विनर होंगे टॉप फाइव को अवार्ड है ठीक है याद रखेगा उन सबके लिए भी बहुत ही बेहतरीन अमेजिंग प्राइजेस है ठीक है सो आई होप की एवरी इज रेडी शुरू किया जाए यश कविता प्रिंस अरोरा महेश आई होप कि यस एवरीवन इज कनेक्टेड सो चलिए गाइस आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर जरा बताएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ठीक है पूछा गया है कि कितने वर्षों बाद योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है याद रखेगा टेक्सट बुक इंजीनियरिंग कार्निवल पर एक लाख से ज्यादा लोग इस समय जुड़ चुके हैं तो आपने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से सफल बनाना है और आप सभी का पूरा का पूरा सहयोग है तभी हम लोग इस अचीवमेंट को पूरा कर पाए हैं ठीक है यस कविता वेरी गुड आफ्टरनून तो देखो दोस्तों ये सवाल इंपॉर्टेंट किस लिए हुआ क्योंकि अभी हाल ही में करंट अफेयर में इससे अपडेट है क्योंकि करंट अफेयर में ये न्यूज में चल रहा है इस वजह से ये अभी हाल ही में पूछा गया क्योंकि देखिए अगर मैं बात करने जाऊं योजना आयोग की तो जो सही आंसर है वो तो सिक्सटी फाइव योजना आयोग आपने पढ़ा होगा जो प्लानिंग कमीशन है जो एक एडवाइजरी बॉडी थी ये आई थी दोस्तों फिफ्टी मार्च याद रखेगा फिफ्टींथ मार्च कब नाइनटीन में लेकिन बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया एक जनवरी याद रखिएगा एक जनवरी 2015 को हम लोग एक नई बॉडी लेकर के आ गए जिसका नाम क्या था नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जिसका नाम क्या है द नीति आयोग ठीक है इतना तक पार्ट आप सभी को सभी को पूरा क्लियर होगा तो अब सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं यह आपने कमेंट सेक्शन में सभी ने बताना है ठीक है वाइस चेयरमैन कौन होते हैं जो अभी हाल ही में न्यू नियुक्त किए गए हैं सबसे पहले वाइस चेयरमैन का नाम था अरविंद पनगरिया अरविंद पनगरिया की जगह फिर आए राजीव कुमार राजीव कुमार इस समय इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी जगह पर कौन आ चुके हैं अब इसमें नए एमडी और सीईओ का भी नियुक्त हुई है ठीक है क्योंकि इससे पहले तो जो अमिताभ कांत थे उनकी जगह पर नए आए हुए हैं ठीक है और लास्ट में च, चार इसके मेंबर कौन है चार कौन से बच्चों फुल टाइम मेंबर की दोस्तों में बात कर रहा हूँ फुल टाइम मेंबर की ठीक है तो ये जो सभी आंसर है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दीजिएगा ठीक है अगला क्वेश्चन है कि ज्वाला पूछा गया है जो गट्टा है ये निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है सो so, निम्नलिखित में से किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है सुहान बिल्कुल सही है चेयरमैन हमेशा जो होता है वो कौन होता है प्रधानमंत्री होता है इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री को एक्स ऑफिसो चेयरमैन बोलते हैं किसका नीति आयोग का और साथ में हम लोग बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का ठीक है तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर याद रखेगा ये जुड़े हुए हैं बैडमिंटन से ऑप्शन थ्री इज द

इस तरफ कौन हो गया बंगाल की खाड़ी है ठीक है तो आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं बे ऑफ बंगाल और इस तरफ कौन सा है आपका इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर तो एक ऐसा लैंडमार्क जो तीन साइड से वाटर से सराउंडेड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज नोन एज द Peninsula, तो इसका जो सही आंसर है साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट तो यही पड़ गया ये कौन सा है आपका साउथ वेस्ट है ये कौन सा है आपका याद रखेगा साउथ ईस्ट है ये आपका कौन सा है साउथ ईस्ट है और ये कौन सा है आपका साउथ है ठीक है तो ये साउथ है भाई तमिलनाडु कन्याकुमारी साउथ हो गया और ये जो उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाला कोलकाता वाला एरिया बंगाल वाला साउथ ईस्ट हो गया और इस तरफ कर्नाटका हो गया केरल हो गया महाराष्ट्र हो गया गोवा हो गया ये कौन सा हो गया साउथ वेस्ट हो गया ठीक है अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है द स्लोगन ऑफ इंकलाब जिंदाबाद वॉज गिविन बाई ठीक है तो इन्होंने तो स्लोगन तो दिया था लेकिन याद रखिएगा इन्होंने ये भी आइडिया दिया था कि जो मुस्लिम मेजोरिटी आपके एरियाज हैं उन एरियाज में एक मुस्लिम स्टेट स्थापित किया जाना चाहिए ठीक है तो मोहम्मद इकबाल इंकबाल इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया इन्होंने ठीक है लेकिन इन्होंने ये भी बोला कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं उनमें मुस्लिम स्टेट स्थापित किए जाने चाहिए और यही बाद में चौधरी रहमत अली के द्वारा इसी शब्द के लिए एक पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया और मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर बाद में इसकी डिमांड कर दी कि हम सब मांगे पाकिस्तान हम सबको चाहिए पाकिस्तान ठीक है तो ये टू नेशन थ्योरी है कही कहीं ना कहीं शुरुआत जो हो जाती है इसी आइडियोलॉजी के साथ शुरू हो जाती है ठीक है सो इसका जो करेक्ट आंसर याद रखेगा दट इज ऑप्शन ठीक है आ... इंकलाब जो शब्द सिर्फ शुरू किया गया अगर कभी पूछेगा कि जो इंकलाब है ये शब्द किसने सबसे पहले शुरू किया तो मोहम्मद इकबाल की बात करेंगे ठीक है और इसको सबसे ज्यादा पॉपुलर किया मेक पॉपुलर ठीक है तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर किया गया इंकलाब जिंदाबाद के नारे को वो किसके द्वारा किया गया भगत सिंह के द्वारा ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर लेकिन मोहम्मद इकबाल के बारे में जरूर पढ़ के जाएगा कि पहले ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने दो सेपरेट मुस्लिम प्रोविंस स्थापित करने की बात की थी जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन है फिर चौधरी रहमत अली के द्वारा हम लोग बात करते हैं उन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया और अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी दे दी थी, ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यस राहुल नमस्कार जय हिंद क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अंशु राठौर ने एक बहुत बड़ा यहाँ पर डाउट डाल दिया है मैं जॉब की वजह से लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाता हूँ बट सभी सेशंस रिकॉर्डेड देखता हूँ प्लीज आप मॉर्निंग सेशंस को बंद ना करें ठीक है अंशु बिल्कुल प्रयास करेंगे कि मॉर्निंग सेशन आपका कंटिन्यू रहे ठीक है आपकी इस रिक्वेस्ट को टीम के साथ फॉरवर्ड कर दिया जाएगा ठीक है तो देखो इसका जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ठीक है मोहम्मद इकबाल इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज राइट अभी हम लोग पढ़ के आए थे ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में देखो मिस्टर आ चुके हैं यस डोंगरीला के डोंग बोल रहे हैं सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें जिन्हें अभी भी लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से फटाफट अटेंडेंस मार्क कर दें पूछा गया है कि वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है ठीक है अब देखो बायोडायवर्सिटी जो एक्ट है ये तो आपको मालूम है बायोडाइवर्सिटी जो एक्ट की अब हम लोग बात करते हैं तो इस समय बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है हमारा वो कौन सा है टू है ठीक है जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है वो कौन सा हमारा टू थाउजेंड टू है अब इसमें से आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे तो वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर तो दोस्तों इसमें से जो सही आंसर याद रखेगा ऑप्शन सेकंड इज राइट ठीक है दैट इज ट्वेंटी सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है ट्वेंटी सेकंड में इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है अगला सवाल है कि योजना आयोग की कार और कार कार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है ठीक है सो द वर्किंग एंड फंक्शन एंडक्शनलिटी ऑफ प्लानिंग कमीशन तो अभी देखो आपने पढ़ा था प्लानिंग कमीशन की जगह पर कौन आ चुका है सोलह अप्रैल को रेलवे दिवस हम लोग मनाते हैं बिल्कुल तेईस जून को हम लोग ओलंपिक दिवस मनाते हैं और बाईस मार्च को वाटर डे वेरी गुड निकता वेरी गुड ठीक है वेरी गुड तो ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित है तो इसका जो करेक्ट आंसर है निम्नलिखित में से किसी में भी नहीं क्योंकि याद रखिएगा कि जो प्लानिंग कमीशन है ये याद रखिएगा ओनली एडवाइजरी बॉडी ये किस तरह का है ओनली एडवाइजरी बॉडी इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बच्चों की भावनाओं के साथ खेलना होता है सच में बोलू ना तो कभी कभी जो एग्जामिनर होता है ना वो आपकी भावनाओं के साथ खेलना चाहता है

नहीं आपको मिलेगा ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज नॉट अफेक्टेड बाई द रिवॉल्ट 1857 बिल्कुल थ्री uh, फोर्टी फाइव लैंग्वेज लेंग, से जुड़ा हुआ है और कल हमने हिंदी भाषा दिवस सेलिब्रेट ही किया है चौदह सितंबर को तो निम्नलिखित में से कौन सी जगह विद्रोह से प्रभावित नहीं हुई थी लखनऊ डेफिनेटली हुई थी भाई साहब चित्तौड़ ठीक है सोचना पड़ेगा झांसी हुई थी जगदीशपुर हुआ था तो देखो जो विद्रोह से प्रभावित हुआ लखनऊ बेगम हजरत महल लीडरशिप की गई झांसी रानी लक्ष्मीबाई ठीक है और जगदीशपुर ये प्रभावित हुए कौन सा प्रभावित नहीं था दैट वाज द मेवाड़ सॉरी चित्तौड़ ऑप्शन थ्री अगला क्वेश्चन है कि अंडर द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम देयर इज रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन ठीक है तो जरा बताइएगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण है राज्यसभा में स्टेट असेंबली में लोकसभा में या फिर पंचायत राज में तो सभी को मालूम है कि कहां पर इलेक्शन रजिस्टर इनको माना दिया गया पंचायत राज में और वो भी कितना दिया गया है वन बाई थर्ड ठीक है याद रखिएगा पंचायत में कितना वन बाई थर्ड ठीक है सो ऑप्शन सेकंड इज राइट अगला क्वेश्चन पूछा गया है द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज फ्रेमड बाई तो मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं मौद्रिक नीति मौद्रिक नीति मतलब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी दोस्तों रेपो रेट की बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं रिवर्स रेपो रेट की दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में CRR ठीक है हम लोग एस एल आर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग बैंक रेट के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा कि मॉनिटरी पॉलिसी प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी मनी सप्लाई के शब्दों में आप दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं टू कंट्रोल द क्रेडिट इन द इकोनॉमी टू कंट्रोल द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट फ्लो ऑफ कैश को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करती है तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आप किसको टिक करने जाएंगे ऑप्शन सेकेंड अगर कभी यह पूछता की हु कंट्रोल द फिजकल पॉलिसी की फिजकल पॉलिसी को कौन रेगुलेट करता है तो किसको टिक करते

आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है देर आर वेरियस कोर्सेस विच आर गोइंग ऑन द ठीक है तो आपको बल्क में बहुत सारे लगभग लग पंद्रह से ज्यादा टीचर्स के आपको कोर्सेस मिलेंगे सो तो आप जिसके साथ बेहतरीन पढ़ना चाहे जुड़ सकते हैं बाकी हम लोग तो आपको यूट्यूब और मास्टर क्लास में मिलेंगे ही मिलेंगे रेगुलर तो इसका जो राइट right आंसर है दट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है तो आपको मालूम है कि पार्ट कौन सा है सो so पार्ट है ये फोर और आर्टिकल कहां से कहां तक है छत्तीस से लेकर के इक्यावन तक है कहां से लिया गया है सो so ये लिया गया है आयरलैंड से सभी को मालूम है और इसमें हम लोग किसके बारे में बात करते हैं वेलफेयर ऑफ ठीक है तो राज्य की कल्याणकारी भावना के बारे में बात करते हैं किसके बारे में राज्य की कल्याणकारी भावना मौलिक अधिकार हमारे संविधान के पार्ट तो तो बारे में अगर हम लोग बात करने तो ये किया गया है आपके पार्ट फिफ्थ में ठीक है क्वेश्चन में पूछा है कि विच पल्लवा किंग वॉज नोन एज इसका करेक्ट आंसर क्या होगा नहीं ये एस एस सी के लेकिन इसके अलावा आपको मैंने कुछ और भी एडिशनल पीवाई क्यू डाले हैं क्योंकि देखो अभी तक हम लोग टोटल थर्टी टू मतलब सेट कवर कर चुके हैं और थर्टी टू में मतलब क्लियर uh, सी बात है कि जो पीवाई क्यू है ऑलरेडी खत्म हो चुके होंगे ठीक है तो इसमें बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं तो इसमें सिमह विष्णु है महेंद्र वर्मन है नरसिम्हन है या फिर नंदी वर्मन है ठीक है तो देखो यार एक राजा हुआ जिसका नाम था पल्लवा डायनेस्टी से बिलोंग करता था पल्लवा डायनेस्टी तो इसको ममला बोला जाता था मम्मल का मतलब एक पहलवान व्यक्ति ठीक है याद रखेगा इसका मतलब होता है एक पहलवान था ये ठीक है एक पहलवान था बहुत ताकतवर वीर योद्धा था अगर आपने पढ़ा भी हो तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन थी हमारे इंडिया की आप ये थोड़ा सा देखिएगा मन की आंखों से समझने का प्रयास करिएगा देखने का प्रयास करिएगा मैं आपको तो यहाँ पर एक डायनेस्टी है जिसका नाम क्या है चालुक्या डायनेस्टी आपने नाम सुना होगा यहाँ पर ये वाली जो डायनेस्टी है ये कौन सी है पल्लव डायनेस्टी या फिर आप पल्लवा डायनेस्टी कह सकते हैं और यहाँ पर जो पूरा एक बड़ा साम्राज्य था वो किसका हर्षवर्धन का तो होता कुछ इस तरीके से होता है कि हर्षवर्धन को पराजित करता है पुलकेश्व द्वितीय जो चालुक्या डायनेस्टी से बिलोंग करता है तो चालुक्या किंग पुल... पुलकेश्व द्वितीय डिफीटेड टू हर्षवर्धन और हर्षवर्धन एम्पायर स्टार्ट टू डेक्लाइन चालुक्या किंग किंग, वर्मन प्रथम। तो ये जो चालुक्या किंग था उसको पराजित किया किसके द्वारा? वर्मन प्रथम के द्वारा. के ठीक है याद रखिएगा और ममलेश्वरा एक उसने अपनी आपकी कैपिटल भी स्थापित की ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हेन ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज इट इज कॉल्ड तो जरा बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा अब ये तो बहुत सारा डिफरेंस है आप यहाँ पर एमसीक्यू कवर करते हैं वहां पर हम लोग पूरी थ्योरी को डिटेल में समझाया जाता है आपके छोटे से छोटे डाउट को बारीक लिया जाता है यहाँ पे भी मैं डाउट लेने का प्रयास करता हूँ बट यहाँ पे इट इज अ एमसी क्यू फॉर्मेट ऑनली ठीक है और वहां पर थ्योरी प्लस एमसीक्यू बोथ है तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज अ ऑप्शन ठीक है दैट इज अ ऑप्शन यस तो सेकंड इज द राइट आंसर ठीक है सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ठीक uh, है दैट इज अ ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ठीक है सेकंड इज द करेक्ट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द सीनियर मोस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया तो सीनियर मोस्ट लॉ ऑफिसर को आपको बताना है जिसको आप क्या बोलते हो uh, महान्यायवादी बोलते हो ना महान्यायवादी तो अगर आपको इतनी हिंट मिल चुकी है तो आप बिल्कुल सही बता सकते हैं यानी कि जो के के याद रखेगा वेणुगोपाल राव है इनको आप क्या बोल सकते हो गोपाल राव है आप इनको महान्यायवादी बोल सकते हैं तो आर्टिकल कौन सा है आर्टिकल है सेवेंटी सिक्स दोस्तों और यूके से लिया गया है ठीक है सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन तो right याद रखिएगा में परिभाषित है है और किसका पार्ट है? UK का. लेकिन याद रखिएगा कि एक जो जनरल राष्ट्रपति तक, तक चाहे ये अपने पद को कंटिन्यू कर सकते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंगूनियन लिस्ट ठीक है तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा यूनियन लिस्ट का हिस्सा है अल्टरेशन ऑफ फूड है लीगल मेडिकल एंड अदर बिजनेसेस है ट्रेड यूनियन इंडस्ट्रियल एंड लेबर लेबर डिस्प्यूट्स है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कंसर्निंग यूनियन एम्प्लॉयज है ठीक है सो जरा बताएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा और आप निम्नलिखित में से किस ऑप्शन के साथ टिक करने जाएंगे ठीक है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कंसर्निंग यूनियन एम्प्लॉयज ठीक है सो ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल है कि नंदन कानन ठीक है जूलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड वेयर तो नंदन कानन जो राष्ट्रीय उद्यान है है ये कहां पर स्थित बिहार में है ऑप्शन वन उड़ीसा में है ठीक है uh, मध्य प्रदेश में है या फिर झारखंड और इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंडीसा इज करेक्ट ठीक है सो उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर तो यहाँ पर जो सही आंसर मैं टिक करने जाऊंगा ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच फील्ड इज डिस्ड अनएलॉयमेंट फाउंड तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है इंडस्ट्रीज

ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं ठीक है ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज नोन एज द गाइस तो आपने देखा होगा कि कई बार खेतों में किसान एक कोई छोटा किसान है जिस किसान के पास एक या दो एकड़ जमीन है अब वहां पर अगर दिन में एक दो लोग भी काम करेंगे तो भी काम हो जाएगा लेकिन हम लोग देखते हैं पूरी फैमिली इन्वॉल्व है ठीक है किसान भी है किसान की पत्नी भी है किसान का बेटा किसान के बेटे की बहू ठीक है और भी बाकी जो बच्चे हैं वो सभी इन्वॉल्व है इसमें तो एक ऐसा सिस्टम जहां पर कम लोगों की जरूरत है कम वर्कफोर्स की जरूरत है लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्गाइज्ड ठीक है तो एग्रीकल्चर में दोनों मिलते हैं डिस्गाइज्ड भी मिलता है और याद रखिएगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तो एग्रीकल्चर में दोनों तो मिलेगा आपको डिस्गज भी मिलेगा और सीजनल भी मिल जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन है वो वाज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिंदू महासभा तो हिंदू महासभा के प्रथम चेयरमैन का नाम बताइएगा गोपाल बंधु होगा मधु बाबू होगा सुरेंद्र नाथ दास होगा या फिर हरे कृष्ण मेहताब होगा तो आप इसमें से किस ऑप्शन के लिए जाएंगे और इसमें से हम लोग जो सही आंसर टिक करेंगे दैट इज गोपाल बंधु इज द राइट आंसर ठीक है so इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है अगला क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि विच माउंटेन पास इन द वर्ल्ड हैज द हाइएस्ट मोटोरेबल रोड इन द वर्ल्ड ठीक है तो जरा बताएगा कि इसका राइट right आंसर क्या होगा वन टू थ्री एंड फोर विच ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है हाँ मैं आपको लिंक अभी बता दूंगा आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं ठीक है आपको लिंक मिल जाएगी बट ये कोड जरूर यूज कर लीजिएगा ठीक है याद रखिएगा एस एच आई वीकेटी फॉर द डिस्काउंट और अभी आज इनरोल करेंगे तो फिर तो बहुत ही ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा ठीक है अगला क्वेश्चन है दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट डूंगरी लॉ इज द राइट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कंटेन्स बोमेन्स कैप्सूल तो निम्नलिखित में से अंगों में से किसमें बोमान कैप्सूल होते हैं किडनी में पहला दूसरा लीवर में तीसरा हार्ट में और चौथा ब्रेन में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे वन टू थ्री एंड फोर तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट किडनी इज द राइट आंसर ठीक है किडनी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है चलिए गाइस अब अं पर देखिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए टेक्स बुक के ऊपर कोचिंग कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और मोर देन ट्वेंटी फाइव टीचर्स के सेवेंटीन प्लस से ज्यादा वीडियो कोर्सेज इस समय अवेलेबल है ठीक है और किस तरीके से इसके लिए एनरोल करना है सो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है ठीक है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर आप देख पा रहे हैं तो देखो आपको ये सेशन इस समय दिखाई दे रहा होगा तो इससे जितने भी लोगों ने अभी भी अटेंडेंस मार्क नहीं किया सो देखो भाई अटेंडेंस तो जरूर मार्क कर दीजिएगा सेशन को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा ठीक है और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप ठीक है देखो यहाँ पर ए और जेई सुपर कोचिंग बाई द इंडियाज टॉप एजुकेटर है तो आप किसी को भी सिलेक्ट करिए सिविल है इलेक्ट्रिकल है मैकेनिकल है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए कुछ इस तरह का फीचर आपका ओपन हो जाएगा ठीक है देखिए तो इसका जो है आप देखिए देर आर वेरियस टीचर्स आप ये सभी टीचर्स में से किसी से भी पढ़ सकते हैं पंकज सर हैं अंकुर सर हैं रोहित यादव सर हैं एजाज सर हैं ठीक है इन सभी टीचर्स के आपको कोर्सेस अवेलेबल मिलेंगे साथ में आपको देखिए ये सभी कोर्सेस अवेलेबल हैं सब्जेक्ट कोर्स नॉन टेक्निकल फुल कोर्स डीआरडीओ एवरीथिंग इज अवेलेबल ठीक है course, course, DRDO, साथ में आपको डाउट सेशन रिवीजन सेशन ठीक है याद रखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये सभी अवेलेबल मिल जाते हैं तो किसी भी एक कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं ठीक है एस एस जेई के लिए ऑलरेडी मैंने बोला ठीक है सिविल के लिए सभी मॉक टेस्ट अवेलेबल तो आपको इनमें से किसी कोर्स को एनरोल करना पड़ेगा ये आप अलग अलग प्लान देख पा रहे होंगे थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ फोर्टीन मंथ किसी एक प्लान को सिलेक्ट करिए और इसमें कूपन कोड अप्लाई करिए और कूपन कोड देखिएगा जरा एस एच आई वी के टी ठीक है शिव कुमार तिवारी अप्लाई करेंगे यू विल गेट द डिस्काउंट और ये जो 24 मंथ का जो बीस हजार का कोर्स था ये कितने का पड़ेगा 8680 का ठीक है चलिए चलेगा अब अगले क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा और बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा ठीक है यस यस दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन नागालैंड के किस यंत्र को दुनिया का सबसे आसान संगीत यंत्र कहा जाता है ठीक है तो मारबुंग है अतूत है ढोलक है या फिर बाहूहूम है टेलीग्राम को मैं अभी बता देता हूं दुर्गा ठीक है डोंट वरी या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं डायरेक्टली ठीक है सो so, इसका जो करेक्ट आंसर so है दैट इज़ ऑप्शन फोर इज करेक्ट टेलीग्राम ग्रुप सर्च कर लेना बेटा ठीक है एट द रेट सोसाइड टेक्स बुक बहुत सिंपल सा है ठीक है ऐट द रेट याद रखिएगा सिवसायड टेक्स बुक तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं ठीक है शिवसाट टेस्ट बुक तो आपको मिल जाएगा ठीक है लिंक की भी ज़रूरत नहीं आप सर्च कीजिए मिल जाएगा ठीक है सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑफ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेस्टिवल मेघालय मेघालय का निम्नलिखित में से कौन सा फेस्टिवल नहीं है देखिए मेघालय से हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं तो गारो खासी तो हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं ठीक है गारो खासी और जयंतिया तो ये तो हम लोग सब देखते ही देखते हैं गारो खासी जयंतिया इसके अलावा ये पूछा गया है कि कौन सा पर्व जुड़ा हुआ नहीं है मोपिन है वांगला है ठीक है बे है में और नोंग क्रेम है ठीक है सो इसका जो करेक्ट 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 आंसर आंसर है 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 दैट इज 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 मोपलेन द राइट ऑप्शन ऑप्शन ठीक ठीक चलिए अगला क्वेश्चन पेंगोक तसो लेक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं जो कहां पर पाई जाती है लद्दाख में आपने पढ़ा भी होगा लद्दाख इस समय न्यूज में ऑलरेडी चल रहा है कि लद्दाख में जो आपकी फोर्सेस थी आर्मी की और अगर हम लोग बात करने जाए इंडिया की तो दोनों ट इज्शन थ्री इज करेक्ट वन थर्टी फोर किलोमीटर इज द राइट आंसर ठीक है इज द करेक्ट ऑप्शन चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा से कौन सा उद्योग सस्पेंडेड पार्टिकल्स का उत्पादन नहीं करता है सस्पेंडेड पार्टिकल सो इसका राइट right आंसर क्या होगा वन टू थ्री एंड फोर विच ऑप्शन इज राइट निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे ठीक है सो so वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर ठीक है जरा बताएगा कि इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा यस yes. सो so इसमें देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज अ ऑप्शन ठीक है फोर इज करेक्ट पेपर इंडस्ट्री इज द राइट आंसर तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज अ ऑप्शन ठीक है याद रखेगा फोर इज राइट पेपर इंडस्ट्री इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है मैंने कमेंट सेक्शन में डाला हुआ है याद रखेगा कमेंट सेक्शन में मैंने डाला हुआ है ठीक है टेलीग्राम लिंक लिंक जो है दुर्गा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला पोस्ट ऑफिस भारत में कहां पे शुरू किया गया था ठीक है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा विच ऑप्शन इज राइट निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे मुंबई है अलाहाबाद है दिल्ली है या फिर चेन्नई है सो so इसका राइट right आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन इज करेक्ट मुंबई अलाहाबाद दिल्ली या चेन्नई और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ठीक है सेकंड इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ठीक है अगला क्वेश्चन अगले uh, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे ठीक है हु ऑज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन ठीक है सो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक आपको बताने हैं और इंडियन एसोसिएशन के देखिए संस्थापक के बारे में अगर हम लोग बात करने जाएं तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दट इज ऑप्शन यस सेकेंड इज द राइट आंसर ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दट इज ऑ सुरेंद्र बनर्जी नाथ बनर्जी के बारे में आप आई होप की जानते भी होंगे कि ये दिया गया था आई होप की इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी बाद में ये आई के साथ मर्ज हो जाती है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि हु इन्वेंटेड थर्मोस फ्लास्क तो थर्मोस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया आ, रे टॉमलिन है टिम बर्नर्स ली है विलियम कलन है या फिर जेम्स डेवार है और इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है जेम्स डेवार इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है अगला सवाल है कि विच ऑफ दीज डेज इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन द ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ठीक है ट्वेंटी टू तो जरा बताएगा कि मतलब इक्कीस सेप्टेम्बर को हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा ड्रे सेलिब्रेट करते हैं ठीक है तो देखो इसमें आ, पूछा गया है कि अगर हम लोग बात करने जाएं इंटरनेशनल आ, जो आप सॉरी नेशनल यूथ डे है तो ये तो 12 जनवरी को होता है ठीक है विवेकानंद साहब का डेट ऑफ बर्थ है इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज अ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ठीक है सो ऑप्शन वन इज राइट ठीक है अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फेयर रिजर्व तो देखो इंडिया में टोटल कितने हैं अगर इंडिया में हम लोग टोटल बायोस्फेयर रिजर्व की बात करने जाए टोटल so, है जो दोस्तों दैट इज अठारह इन अठारह में से जो यूनेस्को ने लिस्टेड कर दिए है वो टोटल कितने हैं बारह ठीक है 12. तो जो सबसे पुराना है अगर कभी पूछा गया कि ओल्डेस्ट बायोस्फेयर रिजर्व का नाम बताइएगा तो जो सबसे ओल्डेस्ट है वो कौन सा है नीलगिरी याद रखिएगा सबसे पुराना बायोस्पेयर रिजर्व कौन सा है नीलगिरी ठीक है नीलगिरी बायोस्पेर रिजर्व सबसे पुराना है भारत का और किसको इंक्लूड नहीं किया है तो जिम कॉर्बेट याद रखेगा जिम कॉर्बेट को इंक्लूड नहीं किया गया सुंदरबन है नंदा देवी है मन्नार की खाड़ी ये सभी इंक्लूडेड है ठीक है अगला क्वेश्चन है कि आ, आर्टिकल थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद तो अनुच्छेद 368 है निम्नलिखित में से किसके साथ डील करता है भारत के संविधान अनुच्छेद 368 के बारे में बात की गई है बताएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा वन टू एंड थ्री विच ऑप्शन इज राइट तो 368 आपने पढ़ा होगा पार्ट नंबर कौन सा है ये पार्ट नंबर ट्वेंटी ठीक है किसके बारे में बात करता है अमेंडमेंट ठीक है और कहाँ से लिया गया है साउथ अफ्रीका तो याद रखिएगा संविधान संशोधन के बारे में बात करता है अफ्रीका से लिया गया है संविधान के बीसवे भाग में परिभाषित किया गया है ठीक है सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज इज ऑप्शन करेक्ट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू अमेंड है अगला सवाल है कि हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ आफ इंडिया आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ठीक है 1947 तो के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बाद भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल कौन बने जवाहरलाल नेहरू सिराज गोपालाचारी लॉर्ड माउंट सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही आंसर क्या होगा आपके इस ऑप्शन के साथ टिक करने जाएंगे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज इज ऑप्शन करेक्ट ये ये बिल्कुल एकदम सही सुझाव है विकास ठीक है यस यस आई एग्री ऑन दिस पॉइंट मैं कल से ही इसको इंप्लीमेंट कर देता हूं कि यू विल एड फाइव टू सिक्स क्वेश्चन ऑन करंट अफेयर ठीक है तो मैं करंट अफेयर के कल से ही मतलब चार पांच क्वेश्चन ऐड करना शुरू करता हूँ डेफिनेटली डेफिनेटली विल एड ठीक है तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड माउंट बेटन आई होप की सभी को मालूम है लॉर्ड माउंट बेटे आप कह सकते हैं कि लास्ट वायस ऑफ इंडिया या स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या इन्हीं के लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान के तहत भारत का पार्टीशन हुआ मतलब पाकिस्तान क्रिएट हुआ सो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है और सी राजगोपाल अगर पूछा गया तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है वो सी राजगोपालाचारी है वल्लभ भाई पटेल तो वल्लभ भाई पटेल हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम होम मिनिस्टर है और जवाहरलाल नेहरू पंचशील सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिए गए ठीक है जो आपका नॉन मूवमेंट वो इन्हीं के द्वारा दिया गया और जो प्लानिंग कमीशन है इन्हीं का सुझाव था नेशनल प्लानिंग कमीशन भी इन्हीं का सुझाव था फाइव ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ा योगदान है और हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है ठीक है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य के साथ संबंधित था जरा बताएगा किसका सही आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएंगे आप इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है निकालना बहुत ही सिंपल है कि अगर हम लोग बात करने जाएं तो आपको मालूम है कि ये जो विजयनगर एम्पायर स्थापित हुआ था ये स्थापित हुआ था आ, कौन सी नदी के किनारे तो आपने पढ़ा होगा विजयनगर जो तुंग भरा के पास पड़ता है ठीक है तो इसकी स्थापना हुई थी 1336 में ठीक है 1336 थर्टी एडी में होती है और ये तब होती है जब नॉर्थ इंडिया में तुगलक डायनेस्टी थी ठीक है तो नॉर्थ इंडिया में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल था और ये जितने भी राजा है ठीक है याद रखेगा ये सभी इससे संबंधित है ठीक है चाहे हम लोग हरिहर की बात करें देवराया की बात करें या कृष्ण देवाय तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर राइट ठीक है तो याद रखेगा ऑप्शन फोर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन फोर इज करेक्ट और कृष्णदेव राय वॉज द ग्रेट किंग अगर इन्होंने पूछा कि सबसे महान राजा कौन था तो कृष्णदेव राय था कौन सा ऐसा राजा था जिसके बारे में बाबर ने अपनी किताब ठीक है तुझो के बाबरी में लिखा है तो कृष्णदेव राय था कौन सा ऐसा राजा था जिसने अपनी राज्य सभा में आठ ग्रेट स्कॉलर स्थापित कर रखे थे जिनको अष्ट दगजा बोलते थे हम लोग तो कृष्णदेव राय है किसको आंध्र भोजा के नाम से जानते थे आंध्र प्रताप के नाम से जानते थे तो भी कृष्णदेव राय है ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने पोर्तुगीज के साथ मिलकर के प्रॉपर तरीके से याद रखेगा तोप या फिर हम लोग बात करने जाए बारूद और तोप गोलों का इस्तेमाल किया हुआ था तो भी

इंडियन नेवी बी एस एफ एयरफोर्स तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन इज इज राइट राइट ठीक ठीक है है ऑप्शन चलिए अगला क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज बाउल तो निम्नलिखित में से किसको हम लोग आ, सुगर बाउल के रूप में जानते हैं करेक्ट आंसर जरा बताएगा किसका सही आंसर क्या होगा वन टू थ्री या फिर फोर विच ऑप्शन इज राइट तो इसका जो करेक्ट आंसर क्यूबा क्यूबा को याद रखिएगा सुगल बाउल के रूप में हम लोग जानते हैं ठीक है ऑप्शन वन इज राइट ठीक है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी एशिया में बहती है ठीक है तो आप लॉन्गेस्ट रिवर भी कह सकते हैं वर्ड्स में आप इसको क्या भी कह सकते हैं लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया एशिया की सबसे बड़ी नदी तो देखिए, एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है दैट इज अप्शन थ्री इसका स्काइर ठीक है यांगटाजे ठीक है नाइल हम लोग देखते हैं पूरे वर्ल्ड की तो ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ठीक है ये सबसे वर्ल्ड की और ये कौन सी है एशिया की ठीक है ये एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है अमेजन वर्ल्ड की याद रखिएगा सबसे लार्जेस्ट रिवर है ठीक है ये सबसे लार्जेस्ट रिवर कोई बता सकता है कि वोल्गा कहाँ की रिवर है वोल्गा डेनुबे ये आपने नाम सुनोगे ना वोल्गा डोनूबे ये बहुत ही प्रसिद्ध नदियां हैं ये निम्नलिखित में से किस कंटिनेंट में है जैसे नाइल सभी को मालूम है कि नाइल अफ्रीका की बात हम लोग बात करने जाएंगे ठीक है दूसरा आपकी कौन सी है अमेजन तो हम लोग साउथ अफ्रीका अमेरिका की बात करने जाएंगे ठीक है और यांगटाजी एशिया की और वोल्गा और डेनुवे जो है याद रखिएगा ये कहाँ की नदियां हैं दैट इज आ यूरोप ठीक है अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड फॉर नेशनल इमरजेंसी तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात स्थिति के प्रावधान है नाइनटीन मतलब आर्टिकल 352 है 356 36, है 360 है 370 है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा विच ऑप्शन इज राइट तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा और इसमें से मैक्सिमम लोगों ने टिक किया है राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू तीन कंडीशन है की, की, और एक कंडीशन कौन सी होती है आर्म रिवेलन की थ्री फिफ्टी सिक्स में स्टेट इमरजेंसी है याद रखेगा स्टेट इमरजेंसी है ठीक है कंडीशन कौन सी है कि भाई जो सरकार कोई भी पार्टी हो अपनी बहुमत को सिद्ध ना कर पाए या फिर अगर कोई सरकार ऑलरेडी बन भी चुकी है तो वो कानून व्यवस्था को मेनटेन ना कर पाए ठीक है 360 आपको मालूम है कि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से जुड़ी हुई है ठीक है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी जो हमारे देश में आज तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं की गई सिचुएशन कई बार बन चुकी है लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुई और 370 जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा हुआ है ठीक है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमी फिजिकल डेफिशेट एक्सचेंज रेट कॉलेजियम या ग्रॉस नेशनल आउटपुट सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ठीक है so, सो इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज इज अ कॉलेजियम द राइट आंसर ठीक है सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज अ ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल है दैट इज अ चुकची सी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन तो जो चुकची समुद्र है निम्नलिखित में से किस नाम महासागर में स्थित है अंटार्कटिक ओशियन है पैसिफिक ओशियन है इंडियन ओशियन है या फिर आर्कटिक इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा और इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है आर्कटिक ओशियन इज द राइट आंसर ठीक है आर्कटिक ओशियन इज द राइट आंसर ठीक है सो ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ठीक है तो आर्कटिक याद रखेगा सबसे छोटा भी है हमारे पास पांच ओशियन हम लोग अब पढ़ते हैं पैसिफिक अटलांटिक इंडियन और याद रखेगा फिर आपका कौन सा है दैट इज अः अंटार्कटिक और लास्ट में आता है कौन सा आर्कटिक तो आप इसको एक और नाम देते हो नॉर्दर्न ओशियन भी कई बार बोला जाता है याद रखेगा इसको नॉर्दर्न ओशियन के नाम से भी जाना जाता है ठीक है अगला सवाल है कि द वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय प्रिपेयर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट तो सरकार के किस डिपार्टमेंट के द्वारा वेदर रिपोर्ट तैयार की जाती है इकोलॉजिकल मेट्रोलॉजिकल इकोनॉमिकल या ट्रोपोलॉजिकल चलिएगा एक लाख पंद्रह हजार से ज्यादा कैंडिडेट इस समय जुड़ चुके हैं बुक के कार्निवल पर ठीक है तो आप सभी का बिल्कुल दिल से शुक्रिया इसका जो राइट right आंसर right. है दैट इज इज ऑप्शन सेकंड राइट मेट्रोलॉजिकल इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है मेट्रोलॉजिकल इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म पॉइंट बाय फॉर वर्कर हु आर एम्प्लॉयड बट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू एनी प्रोडक्टिव टू द वर्क ठीक है तो देखो ये अभी हमने किया था लाइक इन एग्रीकल्चर आपको याद है एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा हुआ था ना कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर कोई काम हो आपके घर में कोई फंक्शन वगैरह हो कोई काम हो तो आपके कई रिश्तेदार आते हैं और बोलते हैं कि वी विल हेल्प ठीक है इन दिस वर्क तो वो कुछ इसी तरह का काम करते हैं ठीक है दे ट्राई टू शो ऑफ बट एक्चुअली द आउटकम इज एक्चुअली में कंट्रीब्यूट तो करना चाहते हैं ठीक है बट आउटकम जीरो रहता है ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज अ डिस्गाइज्ड ठीक है दैट इज अ डिस्गाइज्ड सो दैट इज अ ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर ठीक है सो ये जो होता है एग्रीकल्चर में हमको देखने को मिलता है ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है अगला क्वेश्चन है कि हु ऑज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में कौन थे तो आई होप कि प्रेजेंट में आपको मालूम होगा कि आर्टिकल थ्री सिक्सटी फोर बोलता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं तो राज्यसभा में इस समय कौन है जगदीप धनकर साहब ठीक है तो जो जगदीप धनकर हैं यही वाइस प्रेसिडेंट है और यही राज्यसभा के क्या है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सरपल्ली राधाकृष्णन जिनका डेट ऑफ बर्थ फिफ्थ सेप्टेम्बर था जो निकल चुका टीचर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है तो भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट और भारत के पहले से दूसरे प्रेसिडेंट ठीक है भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट और भारत के दूसरे प्रेसिडेंट ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है कि अंडर आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ सिटीजन कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इफ इस फंडामेंटल राइट आर ब्रिस्ड तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मौलिक अधिकारों का, का उल्लंघन होने पर कोई नागरिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकता है आर्टिकल 21, आर्टिकल वन आर्टिकल थर्टी टू आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स ठीक है सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है तो so इस क्वेश्चन में हम लोग जो सही आंसर टिक करेंगे ऑप्शन थ्री इज राइट आंसर आर्टिकल थर्टी टू आई होप कि सभी को मालूम है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं द हार्ट एंड साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो so यही बोला जाता है ना भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा आर्टिकल ट्वेंटी वन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं ठीक है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल वन क्या बोलता है इंडिया दैट इज भारत सेल्विद यूनियन ठीक है ऑफ इट्स यूनियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज और आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स अब देखो टू ट्वेंटी अगर हम लोग बात करने जाए तो ये किससे जुड़ा हुआ होगा थोड़ा सा इसमें हमें देखना पड़ेगा तो हम लोग देखते हैं कि वन टू फोर में सुप्रीम कोर्ट है टू वन फोर में आपका हाई कोर्ट है तो टू वन फोर तो ये हाई कोर्ट से जुड़े हुए प्रावधान है क्योंकि हाई कोर्ट जो है टू वन फोर से लेकर के कहां तक चला जाता है टू थर्टी थ्री तक चला जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अच्छा हाँ हा, कोर्ट की रिट्स है ना इसमें हाई कोर्ट की रिट्स पावर बिल्कुल रिट्स पावर ठीक है रिट्स पावर सुप्रीम कोर्ट के थर्टी सिक्स में ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में पूछा गया है कि द फर्स्ट प्रैक्टिकल लाइट बल्ब वॉच इन्वेंटेड बाय ठीक है सो जरा बताएगा किसका सही आंसर क्या होगा पहला व्यवहारिक प्रकाश बल्ब का द्वारा आविष्कार किया गया था सो so, इसमें से आ, किस ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज राइट हाँ रेड का जो कॉन्सेप्ट है यूके से आया है बिल्कुल निकिता ठीक है तो इसका जो राइट right आंसर है थॉमस अल्वा एडिशन ठीक है ऑप्शन थ्री इज राइट ठीक है ऑप्शन थ्री इज राइट ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मौर्य पीरियड इज़ आयरन एज ऑफ इंडिया विच रूलर सक्सीडेड चंद्रगुप्ता मौर्य ठीक है तो पूछा जा रहा है कि मौर्य काल को भारत के लौह युग के रूप में जाना जाता है कौन सा शासक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था अशोका बिंदुसार बृहदरथ या फिर दशरथ इसमें से आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर सो so, जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ठीक है बिंदुसार इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सेकंड इज राइट ठीक है तो उत्तराधिकारी था तो आ, मतलब बिंदुसार तो आपने तो पढ़ा है ना भाई की बृहदत देखो किस तरीके से रहता है ऑर्डर ऑर्डर थोड़ा सा देखने का प्रयास करिएगा कि सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम लोग देखते हैं बिंदुसार बिंदुसार के बाद हम लोग देखते हैं अशोक ठीक है अशोक के बाद क्या देखा जाता है कुनाल ठीक है कुनाला दशरथ ठीक है दशरथ के बाद संप्रीति ठीक है तो जो संप्रीति था याद रखेगा इसको बोला जाता है कि दे, वाज ग्रैंड सन ऑफ द अशोका और उसके बाद सबसे अगर लास्ट की बात करेंगे लास्ट मौर्य रूलर दैट वाज द ब्रहद्रथ तो बृहद को हम लोग आखिरी मौर्य राजा मानते हैं दैट वाज मर्डर्ड बाय द पुष्य सुंगा तो बृहदत् तो आपने पढ़ा होगा ना द लास्ट मौर्य किंग हु मर्डर्ड हिज ओन मिनिस्टर मौरियांग्रा सुंगा फाउंडेड द डायनेस्टी ठीक है सुंगा डायनेस्टी ठीक है अगला क्वेश्चन था दिल्ली पर सबसे लंबा शासन काल किसका था तो दिल्ली पर जो सबसे लंबा शासन काल रहा है वो तुगलक डायनेस्टी का रहा है तुगलक डायनेस्टी नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द दिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गिवेन अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो जरा बताएगा किसका सही आंसर क्या होगा किस ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे तो करेक्ट आंसर और इसका जो करेक्ट आंसर है ठीक है दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर थ्री सेवेंटी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है थ्री सेवेंटी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है हाँ तेरह सो बीस से लेकर के चौदह सौ चौदह तक रहता है ठीक है तो इसमें जो राइट आंसर है थ्री सेवेंटी आईओप की सभी को मालूम है ठीक है थ्री सेवेंटी इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि फिफ्टी वन जो है ये किसकी बात करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी तो ये तो डीपीएसपी का ही हिस्सा है जो हम लोग थर्ट फिफ्टी वन की बात करते हैं ये डीपीएसपी का ही हिस्सा है ठीक है और ट्वेंटी फोर तो आपको मालूम है कि चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है कि चौदह साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते और उनका काम पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है ठीक है अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि हु इन्वेंटेड द क्रेस्कोग्राफ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट ठीक है तो पौधों के विकास को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साधन क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया सत्येंद्र बोस ने मेघनाथ साह ने जगदीश चंद्र बोस ने अमल कुमार राय चौधरी ने तो इसका राइट आंसर क्या होगा निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन थ्री इज इज राइट ठीक है जगदीश चंद्र बोस इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो uh, सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन थ्री इज राइट ठीक है अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट अंडर इंडियन एयरफोर्स ठीक है तो भारतीय वायुसेना का भारतीय वायुसेना का सबसे तेज विमान निम्नलिखित में से कौन सा है ब्रह्मोस है सुखोई है तेजस है या मिक ट्वेंटी है सबसे तेज विमान पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा है और सबसे तेज जो विमान है ये कौन सा है दैट इज ठीक है अगला सवाल है कि व्हाट इज द द नेम ऑफ बैंक फाउंडेड बाय ब्रिक्स तो ब्रिक्स के बारे में तो आप जानते होंगे ना ब्राजील रसिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका और इनके द्वारा जो बैंक बनाई गई है वो कौन सी है एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक दोस्तों याद रखिएगा का, काफी इंपॉर्टेंट बैंक रहती है 2016 से ही से में आ जाती है ठीक है और इसका कई बार हेड क्वार्टर पूछा जाता है ठीक है सो एनडीबी का हेड क्वार्टर जरूर पढ़ के जाएगा एनडीबी का हेड क्वार्टर इसका हेड क्वार्टर स्थित है संघाई चाइना में ठीक है इट्स हेड क्वार्टर इज लोकेटेड इन संघाई चाइना ठीक है संघाई चाइना ठीक है अगला क्वेश्चन है कि रैमसर कन्वेंशन किस विषय से संबंधित है तो टोटल रैमसर साइट रैमसर साइट पूछी जाती है टोटल रैमसर साइट कितनी है सो so, जरा बताएगा कि राइट आंसर क्या होगा सो so, सभी को मालूम है कि पचहत्तर है और ये किससे जुड़ा हुआ है दैट इज अ वेटलैंड से ठीक है वेटलैंड और इसका पैक्ट कब हुआ था सेकेंड फैव नाइनटीन सेवेंटी वन तो याद रखिएगा मैं जल्द ही आपके लिए 11:30 थर्टी ए एम पर मॉर्निंग में ये लेकर के आ रहा हूँ रैमसर साइट वाला इंडिया ने कब से ज्वाइन किया तो इंडिया ने जो ज्वाइन किया था कन्वेंशन 1982 1982 हम लोगों ने 1982 में ज्वाइन किया और भारत की जो सबसे पहली रैमसर साइट है वो केवला देव है और चिल्का है चिल्का और केवला देव भारत की प्रथम रेमसर साइट है सबसे बड़ी रेमसर साइट है सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल में सबसे छोटी रैमसर साइट है रेनुका जो हिमाचल प्रदेश की है याद रखेगा और सबसे ज्यादा रेमसर साइट थी जो यूपी से थी अभी हाल ही में ग्यारह जोड़ी गई है इससे पहले चार जोड़ी गई थी इससे पहले दो जोड़ी गई थी खजीरा खिजड़िया और बखीरा और अब टोटल कितनी हो चुकी है पचहत्तर ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया सी सेपरेट ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम न्यूजीलैंड ठीक है हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है इसका सही आंसर क्या होगा करेक्ट uh, आंसर तिमोर सी है रेड सी है पैसिफिक ओशियन या फिर तस्मान सी और यस इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है तस्मान सी इज द राइट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि येलो स्टोन ठीक है नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है हाँ अमेरिका इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका तो इसमें से जो राइट आंसर होगा दैट इज अ ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है यूएसए इज द राइट आंसर ठीक है यूएसए इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच फाइव इलाइन वॉज फेल्योर ड्यू टू इंडिया चाइना वॉर फॉलोड बाई द इंडो पाकिस्तान तो पांच भारत चीन और भारत बाकी और बाद में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही चौथी सातवीं तीसरी या फिर रोलिंग प्लान देखो रोलिंग प्लान आपने देखा होगा पूछा गया भारत और पाकिस्तान युद्ध के कारण भारत और चीन तो भारत और चीन का युद्ध कब हुआ 1962 और फिर कब हुआ 1965 अब ये इस टाइम में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी ठीक है तो अगर मैं पहली की बात करूंगा तो कितना है 1951 से लेकर के 56 तक दूसरा है 1956 से लेकर के 61 तक तीसरा जो रहता है नाइनटीन से लेकर के है सिक्सटी तक अब आपके सामने आंसर बिल्कुल क्लियर है कि आप किसको टिक करने जाओगे ठीक तो कर योजना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं गैडगिल योजना बोलते हैं और ये फोकस करती थी किस पे एग्रीकल्चर इट फोकस ऑन द एग्रीकल्चर और इसी की फेल्योर होने के बाद ही हम लोग किसको लेकर के आए थे ग्रीन रेवोल्यूशन तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो भारत में आया था एम एस स्वामीनाथन के द्वारा ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के फेल्योर होने के बाद ही आया था नेचुरल नेचुरल पार्क में क्या दिक्कत थी नेचुरल पार्क तो क्लियर था ना ये यूएसए में है ठीक है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा कि भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा चुनाव से संबंधित है इलेक्शन तो इलेक्शन से संबंधित जरा बताएगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तो ट्वेल्थ है 13th है फोर्टीन है, या फिर 15th है सो राइट आंसर इज 15th इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन जो निष्पक्ष चुनाव कराता है आर्टिकल कौन सा है थ्री ट्वेंटी फोर किससे बारे में बात करता है सर्विस अंडर ये बात कर सर करता है सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट तो राज्य और केंद्र के बारे में बात करता है 13th के बारे में देखो अगर हम लोग बात करने जाए तो 13th किससे संबंधित है थर्टीन के बारे में जरा बताइएगा देखते हैं कितने लोग सही से कर पाते हैं इसमें रेफी ट्रैम से तो ट्रैम ये किसके बारे में बात करता है ट्रेड से रिलेटेड ट्रेड कॉमर्स एंड इंटर कोर्स के बारे में ठीक है हाँ कॉमर्स एंड इंटर कोर्स के बारे में ठीक है और ये जो बारवा है ज़रा बताइएगा किसके बारे में बात करता है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट ठीक है सो so फाइनेंस हो गया प्रॉपर्टी हो गया कॉन्ट्रैक्ट हो गया इन सब के बारे में बात करता है तो बारहवा फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्यूट तरहवा जो है ट्रेड कॉमर्स एंड इंटर कोर्स के बारे में फोर्टींथ होता है सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट ठीक है और फिफ्टींथ है इलेक्शन कमीशन आई होप कि सभी को क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना किस देश की है तो इसमें सही आंसर क्या होगा ठीक है विच ऑप्शन इज राइट आई होप की देखो गाइज वो बात अलग है कि मैं प्रयास जरूर करता हूं कि किसी क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं थ्योरी को ऐड कर सकूं और इसका बहुत हद तक बेनिफिट भी है अगर आप रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा हाँ अगर आप स्किप कर रहे हैं तो फिर तो नहीं मैं कह सकता लेकिन अगर जो कैंडिडेट रेगुलर अटेंड करता है जैसे राहुल राहुल रेगुलर मेरे सेशंस में रहते ही रहते हैं ठीक है थीके? बहुत सारे लोग हैं इस जो रेगुलर रहते हैं तो जो रेगुलर अटेंड करता है उसको तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट मालूम होगा ठीक है राइट आंसर ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर तो जिस जैस की जनसंख्या सबसे ज्यादा उस देश की याद रखिएगा आर्मी सबसे बड़ा और अगर विश्व में देखा जाए तो अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इनकी सबसे ज्यादा है मतलब इन्होंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है सो ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है अगला yes, uh, so क्वेश्चन है यस प्रेमलता थैंक यू सो मच रेगुलर ऐसे ही अटेंड करते रहिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा पूछा जा रहा है कि इन विच ईयर वॉज द रेगुलेटिंग एक्ट वॉज पास तो रेगुलेटिंग एक्ट देखो काफी पॉपुलर हुआ हमारे देश में और इसी के तहत बंगाल में सबसे पहले क्या नियुक्त किए गए थे अगर आपको याद हो तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस को बनाया गया इसी के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट को भी लेकर के आए थे ठीक है अगर आपने पढ़ा हो सुप्रीम कोर्ट इसी के तहत लेकर के आए थे तो दैट वाज़ द ठीक है ऑप्शन इज द राइट आंसर थ्री इज द राइट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन इज प्रोवाइडेड बाय विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो जरा बताएगा किसका राइट आंसर क्या होगा और आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे परमानेंट सेटलमेंट भी कह सकते हैं और अगर आप कहना चाहें तो आ, उसको आ, हम लोग वो भी नाम दे सकते हैं कौन सा चार्टेड एक्ट फर्स्ट फर्स्ट चार्टेड एक्ट ठीक है तो राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर ठीक है लैंड रिफॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं भूमि शुदा और आपको मालूम है कि ये जोड़ी गई थी फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 ठीक है इट वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 ठीक है अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है ड्रेनेज सिस्टम फॉल इन टू वे ऑफ बंगाल ठीक है तो जरा बताएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी व्यवस्था बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा है ब्रह्मपुत्र है गोदावरी है महानदी है कृष्णा है कावेरी है लूनी नर्मदा एन तापी या फिर बोथ ए एंड बी ठीक है सो इसका राइट आंसर क्या होगा आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर ठीक है तो ये इसका कैसा हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ऑप्शन यस फोर इज इज राइट बोथ ए एंड बी करेक्ट ठीक है बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो बहुत क्लियर सी बात है देखो इसके लिए मैप आपको प्रॉपर मालूम होना चाहिए किस नदी का ओरिजिन कहाँ पर होता है तो देखो गंगा उद्गम होती है ठीक है ये उत्तराखंड से और ये आपके बंगाल के खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है ठीक है ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से टी सांगपो से होते हुए ठीक है आसाम अरुणाचल प्रदेश बांग्लादेश से होते हुए सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है गोदावरी तो आपको मालूम है ये तो नासिक से उद्गम होती है और ये भी जाकर के गिरती है बंगाल की खाड़ी में ठीक है महानदी जिसको हम लोग हीराकुंड डैम बना है ये भी उड़ीसा और इसी में जाती है बंगाल की खाड़ी में कृष्णा जिसका उद्गम कहाँ से है महाबलेश्वर से तो ये भी बंगाल की खाड़ी में जाती है कावेरी तो ये भी आपकी कर्नाटक से उद्गम होती है बंगाल की खाड़ी में जाती है लूनी नर्मदा और ताप्ती जो है ये वेस्ट फ्लोइंग है ठीक है और ये सब कहां पे जाती है अरब सागर में ये सब अरब सागर में तो जो थर्ड रिवर थर्ड ऑप्शन में रिवर है सभी वेस्ट फ्लोइंग है ठीक है और ए और जो बी में थी वो सभी ईस्ट फ्लोइंग थी अगला क्वेश्चन है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब शुरू किया गया था इसका सही आंसर क्या होगा और इसका जो सही आंसर है दैट इज अ टू थाउजेंड सिक्स इज राइट ठीक है टू थाउजेंड सिक्स इज द करेक्ट ऑप्शन अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सबसे वर्ष सिविल सेवक है हु अमंग द फॉलोइंग इज द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट काफी इंपॉर्टेंट सवाल इसमें से राइट right आंसर क्या होगा किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे ठीक है सो जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड कैबिनेट सेक्रेटरी इज द राइट आंसर ठीक है तो ये इसका कैसा हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि हु इंडिया फर्स्ट तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी वी के आरवी राव दादा भाई नौरोजी आरसी दत्त या फिर डी आर गैडगिल तो गैडगिल इनका याद रखेगा थर्ड एफ में बहुत बड़ा योगदान है ठीक है बहुत बड़ा योगदान है ठीक है दादा भाई नौरवी नेशनल इनकम में इनका बहुत बड़ा योगदान है ठीक है और प्रोफेसर वी के आरवी राव का भी है लेकिन इन्होंने 1932 के आसपास कैलकुलेट की थी और उन्होंने 1868 तो अठारह के आसपास जो कैलकुलेट की जाती है दादा भाई नौरौजी के द्वारा प्रोफेसर वी के आरवी राव के द्वारा नाइनटीन के आसपास और जो गैडगिल थे ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी इन्वॉल्व थे ठीक है सो so, चलिए दोस्तों ये था आज का सेशन उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आया होगा ठीक है सो जिसने अभी भी लाइक और शेयर नहीं किया है बिल्कुल अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा ठीक है और बाकी पी के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एट द रेट सौसठ टेक्स बुक आ, मैं इसकी जो लिंक है ऑलरेडी चैट सेक्शन में मैं डाल देता हूँ सो वहाँ से आप देख लीजिएगा ठीक है आप चैट सेक्शन से इसकी लिंक जरूर देख सकते हैं ठीक है तो चैट सेक्शन में आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप का नाम ऐट द रेट सौसठ टैक्स बुक ठीक है और जी हाँ सो आई होप कि ये आ, टेलीग्राम सबको मिल जाएगा शेड्यूल को फॉलो करते ही रहते हैं ये आपका शेड्यूल है थ्री पी पर मास्टर क्लास है तो आप मास्टर क्लास में जरूर जुड़िए और आज एक घंटे की मास्टर क्लास है तो मैं जीके के बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ ठीक है जुड़िए मेरे साथ और देखिए टेक्स्ट बुक की किसी भी अगर आप सुपर कोचिंग कोर्सेज को ज्वाइन कर रहे हैं तो बिल्कुल जिसने अभी भी इनरोल नहीं किया है इन कोर्सेज के लिए सो बिल्कुल इनरोल कर सकता है ठीक है ये सभी कोर्सेज कोर्सेस टेक्स्ट बुक के ऑलरेडी अवेलेबल है करना क्या है सिंपल सा प्रोसेस है कि आप इस स्क्रीन पर आई होप कि देख ही पा रहे हैं सभी सेशंस गोइंग ऑन है तो इनको तो पहले तो मैंने आपको बताया कि सेशन को लाइक like कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन हिट कर दीजिएगा सो दैट रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और ये जो आप देख पा रहे हैं ठीक है तो इसमें आपने लिंक पे जाना है और ये जो लिंक है ऑलरेडी आप देख पा रहे होंगे मोर वाले ऑप्शन में और यहाँ पर जाएंगे तो कुछ इस तरह के आपको सारे कोर्सेज दिखाई देने लगेंगे तो इनमें से किसी भी कोर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है सभी बेस्ट टीचर्स के द्वारा पढ़ सकते हैं ठीक है बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं साथ में डाउट सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एवरीथिंग इज अवेलेबल तो किसी भी प्लान को सिलेक्ट करिए और पेमेंट करते समय कूपन कोड यूज करिए कूपन कोड है दैट इज़ आर एस एच आई वी के टी ठीक है टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट और इसको अप्लाई कर दीजिए तो आपको डिस्काउंट पड़ेगा और ये कोर्स पड़ेगा ट्वेंटी थाउजेंड वाला एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एट्टी रुपी का ठीक है So thank you so much guys thank you so much okay thank you so much